इंद्री के गांव कलसोरा से चंडीगढ़ के लिए चलने वाली बस के बंद हो जाने से ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है, जिसके चलते आज इंद्री उपमंडल के नौ गांव के लोग बस स्टैंड पर जीएम रोडवेज को ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने मांग की कि जो बस पिछले 20 साल से चल रही थी उसको गत 3 साल से बंद कर दिया गया है, जिससे वहां के निवासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा पीजीआई चंडीगढ़ जाने के लिए मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। अदालतों में केस आदि के निपटारे के लिए तारीख पर समय पर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया कि पहले की तरह कलसोरा से चंडीगढ़ तक बस सेवा शुरू की जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस अवसर पर रोडवेज के अधिकारियों ने ज्ञापन देने के बाद कहा कि उनकी मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा और लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस मौके पर युवा बोलेगा मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द बस सेवा शुरू नहीं की गई तो बस स्टैंड पर युवा बोलेगा मंच द्वारा अपना रोष प्रदर्शन करने की नौबत भी आ सकती है। साथ ही उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर बस को चालू करने का आह्वान भी किया। करनाल के इंद्री के गांव कलसोरा में एक चंडीगढ़ के लिए एक बस चलती थी जो कि करीब 20 साल से चलती थी, लेकिन 4 साल से उसको बंद कर दिया गया। आज बस स्टैंड पर नौ गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। सर, क्या प्रॉब्लम है जी? मेरा नाम संजीव, कलसोरा युवा बोलेगा मंच से। हमारे गांव से कलसोरा से एक बस चलती थी जो कि कलसोरा से चंडीगढ़ जाती थी और नाइट उसकी कलसोरा के अंदर ही होती थी। उसको लगभग 20 साल चली। 20 साल चलने के बाद अब 3-4 साल से उसको बंद कर दिया, जिससे बंद होने से 15-20 गांव लगते थे, सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्योंकि एक तो हमारे वहाँ चकबंदी चली हुई है, उसकी वजह में वहाँ पर जो केस हैं हाईकोर्ट में केस लगे हुए हैं, जो तारीख लगती है तारीख पर टाइम पे नहीं पहुँचा जाता। दूसरा, जो पीजीआई है हमारे इधर से लगभग 50% मरीज पीजीआई में जाते हैं, वहाँ जाने पर जैसे ओपीडी का टाइम होता है 10 बजे का, तो पहुँचने में जैसे कहीं बसें बदलनी पड़ती है, पहुँचने में 12 या 1 बज जाता है, ओपीडी का टाइम निकल जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हम आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि ये बस सेवा दोबारा से चालू की जाए। कितने टाइम से बंद हुई है? ये 4 साल से बंद है जी। आप किसके लिए ज्ञापन देने आए हैं? जीएम के नाम, जीएम रोडवेज। नमस्कार सर, राम प्रकाश शर्मा, कलसोरा युवा बोलेगा मंच से। जैसे कि संजीव सर ने बोला है कि भाई चंडीगढ़ से जो हमारे गांव से बस जाती थी उसके लिए आज हम आए हैं जीएम साहब के पास, और हम जीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वो बस दोबारा से चला दी जाए और हमको जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनसे हमको छुटकारा मिल जाए, बस यही चाहते हैं जी। मैं राजेश वर्मा युवा बोलेगा मंच से, गाँव कलसोरा। जो हमारे गाँव से चंडीगढ़ के लिए बस चलती थी उसके लिए जो वो बंद हुई है, अभी बहुत परेशानी है हमारे को, गाँव को भी है और गाँव के जो आसपास गाँव लगते हैं उनको बहुत परेशानी है। ठीक है जी, तो इसीलिए हम से विज्ञापन देने के लिए आया यहाँ जिम साहब को भैया, ताकि बस द्वारा चला जाए। धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी, प्रॉब्लम तो यह है जी, जो हमारी बस थी पुरानी वह 20 से 22 साल लगातार चली, हर किसी की ये तो मैंने पता नहीं किन कारणों से बंद हो गया। हम जीएम साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं, यही कहने आए कि हमारी बस दोबारा से चलाई जाए। ये युवा बोला मंच उसके लिए छोटा हा आंदोलन कराया हूँ, इसको पूरा रूप नहीं, बड़ा रूप नहीं दे। हम 200 जने आए जी, समस्तपुर, बदरपुर, इस्लाम नगर, नबियाबाद, जत्ती, छपरा, सब 8-9 पंचायतों का रेजुलेशन हमारे पास, हर इन गाँव में आदमी आए हैं। सर, यह है बस 20 साल से चलती थी, ऐसी क्या नौबत आई कि इसको बंद करना पड़ा? मुझे मेरे तो पता नहीं मैडम इसके बारे में। अभी ये जी महाप्रबंधक को देंगे। क्या नाम आपका? वर्क्स मैनेजर बालकराम जी। हाँ, आज क्या मांग करने आए हैं, कितने लोग आए हैं, क्या? नौ गांवों का रेजुलेशन है, जिला अध्यक्ष रवि भाटिया करनाल और ये अपने संजीव बाल्यान और अध्यक्ष इंद्री। क्या मांग करते हैं, क्या मांग करते हैं? ये मांग की है जीएम साहब से और ऊपर भी देंगे भाई, वहाँ जो 22 साल बस चली थी दोबारा वहाँ से बस शुरू कर दी जाए, उसमें जो कुछ भी अगर नुकसान होगा तो उसको भरने के लिए गांव वाले तैयार हैं। क्या परेशानी आ रही है बंद करने के बाद? बंद करने के बाद पीजीआई में जाते हैं, कहने लग रहे ना है, कभी इंद्री भागते हैं, कभी करनाल आते हैं। जब 22 साल से व्यवस्था ठीक चल रही थी, देश तो लोग तो चांद पर जान लग रहे, चांद नीचे तारन लग रहे, डिजिटल इंडिया बनने लग रहा, तो परेशानी है ना। आपके ज्ञापन पर एक्शन नहीं होता, क्या करेंगे? तो 15-20 दिन बाद क्या करें? वो हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन होता है, घेराव होता है, कानून के दायरे में वही करेंगे, हम और करेंगे क्या।